तो भी अभी अभी हमने हमने कथा कथा में में कहा कहा कि कि मंदिर मंदिर में में मूर्ति मूर्ति में में हम हम भगवान भगवान ढूंढ ढूंढ रहे रहे हैं, हैं, पर पर अपने अपने आसपास आसपास में, में, अपने अपने घर घर के के पास पास में, में, अपने अपने घर घर के के अंदर अंदर भगवान भगवान को को नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहा। रहा। जो जो दिया दिया तुमने तुमने वो वो तुम्हें तुम्हें मिलता मिलता है, है। जो जो प्रदान प्रदान करा करा तुमने तुमने वो वो तुम्हें तुम्हें प्राप्त प्राप्त होता होता है। है। राजा राजा पृथु पृथु का का एक एक संवाद संवाद आता आता है। है। राजा राजा पृथु पृथु का का एक एक संवाद संवाद बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर है, है, जिसके जिसके अंतर्गत अंतर्गत उन्होंने उन्होंने दरवाजे दरवाजे पर पर एक जब जब संत संत भिक्षा भिक्षा के के लिए लिए आए, आए उस उस समय समय पर पर राजा राजा अपने अपने अस्त बल अस्तबल में में थोड़ा थोड़ा सा सा देखने देखने के के लिए लिए गए गए हुए हुए थे थे और और जब जब अस्त बल अस्तबल में में देखने देखने के के लिए लिए गए गए हुए हुए थे, थे तो तो उस उस समय समय पर पर एक एक संत संत ने ने आकर आकर राजा राजा के के सामने सामने आवाज आवाज लगाई। लगाई। महाराज, महाराज, बहुत बहुत भूख भूख लग लग रही रही है, है, आप आप मुझे मुझे कुछ कुछ खाने खाने को को दे दे दो। दो। राजा राजा पृथु पृथु संत संत की की उस उस मांगनी मांगनी पर, पर, संत संत की की उस उस भिक्षा भिक्षा पात्र पात्र में में घोड़े घोड़े की की लीद लीद उठाकर उठाकर डाल डाल देते देते हैं। हैं। घोड़े घोड़े की की लीद लीद उन्होंने उन्होंने भिक्षा भिक्षा पात्र पात्र में में डाल डाल दी। दी। जब जब घोड़े घोड़े की की लीद लीद उस उस भिक्षा भिक्षा पात्र पात्र में में डाली, डाली तो तो संत संत को को क्रोध क्रोध नहीं नहीं आया। आया। संत, संत, साधु, साधु, गुरुजन, गुरुजन, महात्मा, महात्मा, कीर्तनकार, कीर्तनकार, पांडुरंगा पांडुरंगा का का स्मरण स्मरण करने करने वाले वाले हों, हों, भगवान भगवान की की भक्ति भक्ति करने करने वाला वाला कोई कोई संसारिक संसारिक मनुष्य मनुष्य भी भी हो हो तो तो उसको उसको क्रोध क्रोध नहीं नहीं आया। आया। इच्छा इच्छा में में लीत लीत डाल डाल दी दी गई, गई, घोड़े घोड़े की की लीत। लीत। संत संत उस उस लीत लीत को को लेकर लेकर चले चले गए। गए। अपने अपने आश्रम आश्रम के के बाहर बाहर उन्होंने उन्होंने उस उस लीत लीत को को एक एक कोने कोने में में डाल डाल दिया। दिया। अब अब घोड़े घोड़े की की लीत लीत कोने कोने में में डाली। डाली। 2 महीने महीने बाद बाद राजा राजा पृथु पृथु घोड़े घोड़े पर पर बैठकर बैठकर जब जब नगर नगर घूमने घूमने के के लिए लिए गया गया तो तो जंगल जंगल में में गया गया तो तो उसको उसको संत संत का का आश्रम आश्रम मिला। मिला। उसने उसने महाराज महाराज जी जी को को प्रणाम प्रणाम करते करते हुए हुए विचार विचार करा करा कि कि ये ये संत संत के के पास पास में में कोई कोई घोड़ा घोड़ा नहीं नहीं दिख दिख रहा, रहा, कोई कोई अस्तबल अस्तबल नहीं नहीं दिख दिख रहा, रहा, पर पर ये ये संत संत की की कुटिया कुटिया के के पास पास में में ये ये इतनी इतनी सारी सारी घोड़े घोड़े की की लीद लीद का का ढेर ढेर लगा लगा हुआ हुआ है, है, कम कम से से कम कम 25-50 किलो लीद किलो यहाँ लीद यहाँ पड़ी पड़ी हुई हुई है, है, तो तो मतलब मतलब यहाँ यहाँ तो तो कोई कोई घोड़ा घोड़ा दिख दिख नहीं नहीं रहा, रहा, ये ये लीद लीद कहाँ कहाँ से से आ आ गई। गई। राजा राजा उस उस संत संत के के चरणों चरणों को को प्रणाम प्रणाम कर 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 बोला, बोला, महाराज महाराज आपके आपके यहाँ यहाँ कोई कोई घोड़ा घोड़ा नहीं नहीं दिख दिख रहा, रहा, तो तो ये ये लीद लीद इतनी इतनी सारा सारा ढेर ढेर कहाँ से से आ आ गया गया घोड़े घोड़े की की लीद लीद का। का। संत ने संत ने कहा, कहा, मैं मैं जब जब एक एक नगर नगर में में भीख भीख मांगने मांगने के के लिए, लिए, भिक्षा भिक्षा लेने लेने के के लिए लिए जब जब मैं मैं गया, गया, भिक्षा भिक्षा पात्र पात्र लेकर लेकर जब जब मैं मैं भिक्षा भिक्षा लेने लेने के के लिए लिए गया, गया, तो तो एक एक राजा राजा ने ने मेरे मेरे कटोरे कटोरे में में ये ये भिक्षा भिक्षा में में लीद लीद दी दी थी थी और और कहा कहा था था ले ले लो लो ये ये खा खा लो। लो। वो वो लीद लीद लाकर लाकर मैंने मैंने अपने अपने आश्रम आश्रम में में डाल डाल दी दी थी, थी, तो तो राजा राजा की की आंख आंख में में आंसू आंसू भर भर गए, गए, हाथ हाथ जोड़कर जोड़कर पांव पांव पड़कर पड़कर बोला, बोला, मैंने मैंने तो तो लीद लीद इतनी इतनी सी सी दी दी थी, थी, फिर फिर ये ये 500 किलो किलो लीद लीद कैसे कैसे हो हो गई। गई। संत संत कहते कहते हैं, हैं, जो जो दान दान किया किया है है वो वो बढ़ता बढ़ता भी भी तो तो है। है। तुमने तुमने जो जो दान दान किया किया है है वो वो बढ़ता बढ़ता भी भी तो तो है। है। महाराज महाराज क्षमा क्षमा करें, करें, मैंने मैंने आपको आपको खाने खाने को को लीद लीद दी दी थी। थी। संत संत कहते कहते हैं, हैं, राजन, राजन, अब अब तुमने तुमने जो जो दान दान करा करा था था वो वो बढ़कर बढ़कर तुम्हें तुम्हें मिलेगा। मिलेगा।
ये इतनी जो लीड है ना, ये तुम्हें खाना पड़ेगा, ये संसार की रीत नहीं है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे